जवाबदेही, कौन जवाबदेही संभालना है? नहीं नहीं, प्रदेश अध्यक्ष तो हम हैं ही, क्या बने रहना चाहते हैं हम आने वाले? आपको बताएंगे क्या अलग मन को बताएंगे? कोई मन मिटाव नहीं है, कोई मन मिटाव कहीं से कोई मन मिटाव नहीं है। और मैंने 6 महीना पहले ही कहा था किससे मन मिटाव होगा। नहीं, सारी खबरें आ रही हैं गुजरात। नहीं नहीं, गुजरात के बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहता, मुझे मालूम भी नहीं है। लेकिन बिहार के बारे में कहेंगे जो आला कमान का कॉपरेशन पहले भी मुझे मिलता था, आज भी मिल रहा है और कल भी मिलता रहेगा, ये पक्का है। अध्यक्ष की बात हम नहीं कहते हैं, अध्यक्ष कोई परमानेंट पद नहीं है। जब मैं नहीं था तब भी आला कमान का आशीर्वाद मुझे प्राप्त था, आज भी है और कल भी रहेगा। अध्यक्ष का पद तो आते जाते रहेगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। राहुल गांधी जी से बराबर भेंट होती रहती है, इधर बहुत दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, मैंने कल उनसे मिला, कल उनसे भेंट करके यहाँ के ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दी है। सर, इस्तीफे के भी खबर आ रही है क्या? प्रदेश अध्यक्ष पद से मैंने पूर्व में भी इस्तीफा दे दिया था, आज नहीं, मैं 2 दिन पहले मैंने उस बात की याद दिलाई आला कमान को, ये मेरा इस्तीफा आपके यहाँ है, उस पर क्या विचार कर रहे हैं? आला कमान नहीं किया अभी तक, मंजूर करेगा तो हम समझते हैं मीडिया इतना तेज है जो हमसे पहले आप लोग को जानकारी हो। अभी तक मतलब सब नहीं हो पाई है। क्या बोले? अभी तक इस्तीफा नहीं हो पाई है, स्वीकार अभी तक मंजूर नहीं हो पाई है। साधारणतः यह होता है जब कोई आदमी सेलेक्ट हो जाते हैं, और इस्तीफा देने की कोई परंपरा है नहीं, मैंने खुद दिया है। अगर जब भी आला कमान चाहेगी, एक तो मेरा टेन्योर पूरा हो चुका है, हम टाइम जो मेरा है उससे ज़्यादा दिन तक रह चुके हैं, और अगर हम नहीं भी रहते तो आला कमान को इस्तीफा मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब चाहे किसी अध्यक्ष को तब हटा सकता है। इसलिए बार बार देखते हैं इस्तीफा मांगा गया, इस्तीफा मांगे, इस्तीफा मांगने की आवश्यकता है? आप लोग पता कीजिए, संविधान पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं। सर आगे भी ये गांधी यात्रा, आप लोग को जानकारी का अभाव है, गांधी यात्रा वस्तुतः युवक कांग्रेस का प्रोग्राम है, युवक कांग्रेस के प्रोग्राम को कांग्रेस के प्रोग्राम से क्या मतलब है? तो चूंकि हम लोग हैं, वो मेरा विंग है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।